गाइस आरजेआर और गाइस फ्लिपकार्ट और अमेजोन ने अपनी वापस से सेल ला चुके हैं। और आप सभी को तो पता ही है कि दिवाली का सीजन आ चुका है और फ्लिपकार्ट ने इसके पहले अपनी बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन ने अपनी ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल लाई थी, लेकिन अभी आखिरी सेल होने वाली है जो कि होने फ्लिपकार्ट की बिग दिवाली सेल और अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन दोनों सेलों के अंदर आने वाले टॉप बेस्ट स्मार्टफोन डील्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम बजट कैटेगरी की कि आपको कौन कौन से स्मार्टफोन बेस्ट प्राइस में देखने को मिलने वाले। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट के अंदर आपको SBI के जो डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड है उसके ऊपर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। और अमेजोन के जो अमेजोन पर आपको एक्सिस बैंक और सिटी बैंक के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट ऐप की। तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे और इसके अंदर मैं सबसे पहले बजट कैटेगरी की बात करता हूँ। तो बजट कैटेगरी में हमारा स्मार्टफोन आता है रेडमी का 7 है जो कि आपको 5,000 रुपये में देखने को मिल रहा है, और साथ में रियलमी का C2 जो कि आपको 6,000 रुपये का देखने को मिलने वाला है, 2+32GB का मॉडल। तो ये दो स्मार्टफोन जो ऐसे है जो कि आपको बिल्कुल परचेस करने चाहिए 6,000 रुपये के प्राइस में। और साथ में एक और स्मार्टफोन है रेडमी का 8 है जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है, वो भी आपको इसमें 6,500 रुपये का देखने को मिल जाएगा। तो वो भी एक काफ़ी एक अच्छा स्मार्टफोन है, अगर आप चाहें तो उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे 9 से 10,000 रुपये के बीच के सेगमेंट में। तो भाई इसके अंदर काफ़ी सारे आपको स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले और भर भर के स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं। रेडमी का नोट 8 और रेडमी का नोट 8 प्रो जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है, वो भी आपको इसी सेल के अंदर, फर्स्ट सेल है आज उनकी, तो इसी सेल के अंदर आपको देखने को मिलने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं रेडमी के नोट 7 है इसकी, तो वो अब आपको मिलने वाला है मात्र 9,000 रुपये में। और जो रियलमी का 5 है वो भी आपको 9,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है। रेडमी का नोट 10 प्रो आपको 12,000 रुपये में देखने मिलने वाला है, अगर आप उस पर डिस्काउंट लगाते हो तो ये आपको 11,000 में देखने को मिलने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रियलमी का XT आपको मिलने वाला है 16,000 रुपये में, इसमें कोई भी डिस्काउंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। वीवो का Z1 Pro आपको 13,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है, वीवो का Z1X आपको 15,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से। रियलमी का 3 अब आपको मात्र 8,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है, तो 8,000 में काफ़ी एक अच्छा स्मार्टफोन है, आपको हीलियो का P70 देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। रियलमी का 3 Pro आपको 10,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 710 चिपसेट, आपको काफ़ी अच्छी बैटरी मिल जाती है, काफ़ी अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है और काफ़ी सारी इसके अंदर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप रियलमी का 3 प्रो परचेस करना चाहते हो तो 10,000 रुपये में काफ़ी एक अच्छा स्मार्टफोन है। इसके साथ साथ आपको रेडमी का 8 और रियलमी के C2 के बारे में तो मैंने बता ही दिया, अब इसमें चलते हैं हम आगे की तरफ। तो रियलमी का 5 जो है वो आपको 11,000 रुपये में मिलने वाला है, 4+128GB वाला मॉडल। अब इसमें जो रेडमी का 7 है गाइस आपको अमेजोन पे ये 5,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है, और वहीं पर जो फ्लिपकार्ट पर है ये आपको 5,800 रुपये में देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको कंसीडर करूँगा कि आप अमेजोन से ही परचेस करें। तो इसमें इतनी सारी आपको डील्स देखने को मिल जाती है। अगर आप पोको F1 के फ़ैन है तो ये आपको मिलने वाला है 16,000 रुपये के अंदर, ये भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है 16,000 रुपये के अंदर। और बस यार इसमें इतनी डील आपको देखने को मिलने वाली है। सो गाइस अब बात करते हैं अमेजोन की डील्स की, जो कि अमेजोन की डील्स आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग की, तो सैमसंग की तरफ से आपको 2 स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले, जो कि सैमसंग का M10S है वो आपको देखने को मिलने वाला है मात्र 8,000 रुपये के अंदर, और आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है 8,000 रुपये के अंदर। तो काफ़ी एक अच्छी बात है, कोई भी कंपनी आपको 8,000 रुपये में एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं करवाती है। तो अगर आप सैमसंग के फ़ैन हो तो आप इसे बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। सैमसंग का M30S अब आपको देखने को मिलने वाला 14,000 रुपये में, और अगर आप एक्सिस बैंक या सिटी बैंक का डेबिट क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो उस पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। वीवो का U10 आपको मात्र 9,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है, रेडमी का 7 है आपको 5,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लिपकार्ट पे ही आपको 5,800 रुपये में देखने को मिलेगा और इस पर आपको 5,000 रुपये में देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ से परचेस कीजिएगा, ना कि फ्लिपकार्ट से परचेस करना, तो आपको 800 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ऐसा स्मार्टफोन देख रहे हो जो कि 15,000 रुपये में आपको स्टॉक एंड्रॉयड की फील दे, अच्छे कैमरास दे, तो मैं आपको बोलूँगा कि MI का A3 बिल्कुल परचेस कर लेना, 13,000 रुपये में आपको देखने को मिलता है, और अगर आप कार्ड्स का उपयोग करते हो तो आपको उस पर डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें इतने ही स्मार्टफोन आपको देखने को मिलने वाले, कुछ ज़्यादा खास आपको अमेजोन पर ऑफर देखने को नहीं मिलने वाले। आपको जो बेस्ट स्मार्टफोन आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है वो है रेडमी का नोट 8 और रेडमी का नोट 8 प्रो। तो रेडमी का जो नोट 8 आपको मिलने वाला है वो 10,000 रुपये में मिलने वाला है, और इन पर ध्यान रखिएगा इसके अंदर आपको कोई भी डिस्काउंट देखने को नहीं मिलने वाला है,
क्योंकि नए स्मार्टफोन आपको जो भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा वो एक्सिस बैंक और सिटी बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स पे देखने को मिलने वाला है। तो रेडमी का नोट 8 जो मिलने वाला है आपको 10,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है, और जो रेडमी का नोट 8 प्रो है वो आपको 15,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से अमेज़ॉन पर सबसे अच्छी डील्स तो यार यही देखने को मिलने वाली है, जो कि रेडमी के नोट 8 और नोट 8 प्रो की होने वाली है। और गाइस अगर आप मुझसे पूछो कि कौन कौन सा स्मार्टफोन कौन कौन से कैटेगरी में बेस्ट रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 5,000 के अंदर और 5 से 6,000 रुपये के अंदर आपको मिलने वाला है रेडमी का 6 है। बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 10,000 तो आपको इसके अंदर मिलने वाला है रेडमी का नोट 8 और रियलमी का 5 और रेडमी का नोट 7S। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है रेडमी का नोट 8 प्रो, रियलमी का XT और साथ में रेडमी का नोट 7 प्रो और रियलमी 5 प्रो आपको बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 देखने को मिलने वाले। अब चलते 20,000 के सेगमेंट में, तो आपको इसके अंदर दो स्मार्टफोन अच्छे देखने को मिलने वाले। तो सबसे पहला है आपका पोको का F1 जो कि आपको मिलने वाला है 16,000 रुपये में, और रेडमी का K20 जो आपको मिलने वाला 20,000 रुपये के अंदर। अब चलते हैं हमारे 25,000 रुपये के सेगमेंट के अंदर, तो इसके अंदर आपको एक ही स्मार्टफोन अच्छा देखने को मिलने वाला है जो कि आपका रेडमी का K20 प्रो। अब चलते हैं हमारे 30,000 के सेगमेंट के अंदर, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर आप बात करते हो 20,000 रुपये के अंदर कौन कौन से स्मार्टफोन और अच्छे देखने को मिलते हैं, तो आपको वीवो का Z1X आपको 16,000 रुपये में देखने को मिलने वाला है, और जो वीवो का Z1 प्रो है वो भी आपको 13,000 रुपये के अंदर अच्छा देखने को मिलने वाला है। गाइस इतना ही था इस वीडियो में, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो साले चैनल को, और भाई इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि जो लोग डील्स देख रहे हो गए तो इस वीडियो के थ्रू उन्हें डील्स देखने को मिल जाएगी। तो अच्छी लगी हो लाइक कर दो, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।